नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार। हाँ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने कल वो चुटकुला सुनाया ही था कि राजभवन वो कभी भी शॉल लेने के लिए जा सकते हैं, तो राज्यपाल महोदय उनसे क्या पूछेंगे कितनी जल्दी। तो खैर, अब नीतीश के बारे में मैं ही नहीं, आप ही नहीं, पूरा देश ये कह रहा है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और उसका वो भरपूर फायदा, बस कुर्सी उनके नीचे रहनी चाहिए, शर्त ये है। और रही बात बिहार की, तो नीतीश कुमार ने ये बात पहले क्यों नहीं कही? उनको करना चाहिए कि भाई रोजगार वो दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री वो है। हम लोग तो यही समझते हैं कि सरकार यही कही जाती है, नीतीश कुमार की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, डिप्टी सीएम का तो कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास कोई बहाना नहीं है, तो पहले वो कुछ और कहते हैं, फिर कुछ और कहते हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों गए, क्या वजह है। और वो नीतीश कुमार, हो सकता है कुछ लोग उनके प्रति संवेदनशीलता रखते हुए ये भी कह रहे हैं कि कुछ बीमारी का भी दिक्कत हो सकती है, भाई उनको गुमराह किया गया हो, नहीं समझ पाए हो, हो सकता है कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आ जाए। लेकिन खैर, बिहार का घटनाक्रम, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसमें डरे हुए हैं। एक नहीं, कई लोगों ने रिजाइन किया है जेडीयू से। अभी जो दो जेडीयू के विधायक तो खुल करके तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं और बड़ा साफगोई के साथ बात कर रहे हैं, तो ये तो फ्लोर पर तय होगा कि वो बहुमत हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार को डर था, उस दिन भी जो आंख मिचौली चल रही थी कि पहले हम रिजाइन नहीं करेंगे, पहले समर्थन पत्र हमको चाहिए बीजेपी का, खेल बीजेपी का यह था कि नीतीश कुमार को लंगड़ी मार करके गिराया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, यानी वहां के पूरे ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में ले लिया जाए, तो नीतीश बाबू को निपटा दिया जाए। अब नीतीश कुमार क्या भूल गए इस बात को कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान को आगे करके उन्होंने कितना नुकसान किया था जेडीयू का? वो भूल सकते हैं, लेकिन कुर्सी के लिए और तमाम तिकड़मबाजी के लिए वो उधर जा सकते हैं। अब रही बात इसकी कि इस बिहार के जरिए राहुल गांधी जो अभी वहां से निकले हैं, देखिए ये जो हमला हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसको डिजाइन कर रही है और ये गांधी की परंपरा को दिखाती है कि एक छोटा सा इशू है उसको बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए। मुद्दे इस देश में राहुल गांधी से हमले से बहुत बड़े हैं। मैं राहुल गांधी का इसमें बड़प्पन मानता हूं कि वो इस देश के असली मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो, और राहुल गांधी उस विरासत से आते हैं। गांधी जी पर पहला हमला कब हुआ? 1934 में। कहां से लौट रहे थे? पुणे से। और किस कार्यक्रम से लौट रहे थे? कि वो दलितों को, उस मस्जिद को वो हरजन कहते थे, हरजनों को मंदिर प्रवेश कराने के लिए उस कार्यक्रम से वो लौट रहे थे, हरजनों ने उनका सम्मान किया था, वही यही गॉडसे एंड पार्टी उन पर पहला हमला करती। तो जो अभी लोग प्रचार करते हैं ना कि गॉडसे ने पाकिस्तान की वजह से 55 करोड़ रुपए की वजह से गांधी जी को मार दिया, लेकिन पहला हमला तो इसलिए किया था क्योंकि गांधी हरजनों को मंदिर में प्रवेश के लिए क्यों कर रहे थे। आज राहुल गांधी क्यों किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं? क्यों वो सौहार्द की बात कर रहे हैं? विभाजन के खिलाफ क्यों खड़े हैं? न्याय की बात क्यों कर रहे हैं? किसानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, उनकी जमीनें अडानी के हाथ में होनी चाहिए, मजदूरों को मजदूरी सही नहीं मिलनी चाहिए, वो केवल इनके इस तरह के मजदूर हो कि 200 रुपए मजदूरी मिले तो उसको स्वीकार करें, महिलाओं पर आक्रमण हो। और ये वही लोग हैं सावरकर की मानसिकता के। सावरकर ने क्या कहा था कि शिवाजी ने मुस्लिम औरतों को वापस करके गलत किया, उन्हें तो उन मुस्लिम औरतों के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए था। तो ये बुनियादी तौर पर महिला विरोधी लोग हैं, इनको तो मजा आता है अगर मणिपुर की उन महिलाओं के साथ कुछ होता है या महिला पहलवानों के साथ कुछ होता है। और अगर प्रमाण आपको चाहिए
तो वो भाजपा की महिला नेत्री एक कह रही थी कि अरे भाई वो जो सज्जन है सांसद महोदय ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने पहलवान उन लड़कियों में क्या देखा। सब आप सोच नहीं सकते हैं कि किस हद तक ये गिर सकते हैं। तो राहुल गांधी के ये सवाल कहीं गायब हो जाए, इसलिए ये हमले वाला मुद्दा। और आज एक बड़ा इश्यू इस देश में है, मैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो पांच लड़के जिन्होंने पार्लियामेंट में कूद करके जोखिम लेकर के ये कहा था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ा दुख था, जो भगत सिंह के फैन थे, उन्होंने आज पटियाला कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उनको बिजली के शॉक दिए गए। 70 पन्नों खाली पन्नों पर उनसे दस्तखत कराया गया। नार्को टेस्ट में भी उनसे कहा गया कि वो किसी पार्टी का नाम लें, किसी नेता का नाम लें, कि उन्होंने हमको उकसाया, उनके कहने पर हम आए पार्लियामेंट में, हमने ये किया। लेकिन प्रताप सिंह उनको क्लीन चिट दे दी गई, 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये हो रहा है आज देश में, कहां डेमोक्रेसी बची है? ये बनामना रिपब्लिक में तब्दील कर दिया गया है। मैं तो मोदी जी को कहता हूं, अरे भाई आपको नहीं चाहिए डेमोक्रेसी तो घोषित करिए आपातकाल। ये जो आंख मिचौली आप खेल रहे हैं, ये जो तमाशा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, उसको छोड़ दीजिए। और फिर सड़कें गुलजार होंगी, राहुल गांधी है ही सड़क पर जी। उसके बाद डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो डेमोक्रेसी को मोहब्बत करते हैं, जो लोकतंत्र को संविधान को प्यार करते हैं, वो लोग अगर बचा पाएंगे तो बचाएंगे। ये मोदी जी को चुनौती लेना चाहिए और घोषित कर दें। देखिए राजीव जी, इसके पीछे की जो पूरी पृष्ठभूमि है उस पर कई सारे लोगों ने चर्चा भी की है कि जैसे ही इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी मई महीने में, उसके बाद ही नीतीश कुमार के 2-3 बहुत नजदीकी लोगों पर ईडी की छापेमारी हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मीडिया की सुर्खियां नहीं बना। वहीं से नीतीश कुमार को दबाव में लेना शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, और धीरे धीरे अपने उन दो लोगों के जरिए, संजय झा और एक और नाम आ रहा था अशोक चौधरी, ये कानाफूसी कर रहे थे। लल्लन सिंह को विदा किया गया, वहां दूरी बनाई गई और गलतफहमी पैदा की गई नीतीश कुमार में, और दे उनको गुमराह करके दबाव डाल के ईडी का कहीं उन पर आंच ना आ जाए, तो उसके बाद ही उन्होंने ये पाला बदल किया है। हालांकि कोई पहली बार नहीं किया है, वो इसके लिए मशहूर है, लेकिन इनसे बड़ा पाला बदल तो बीजेपी ने किया है। वो सम्राट चौधरी जो आजकल डिप्टी सीएम हो गए हैं, उन्होंने तो ये प्रण किया था कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे जब नीतीश को सीएम की कुर्सी से नहीं उतार देंगे, वही डिप्टी सीएम हो गए। अमित शाह क्या करेंगे, उन्होंने तो कहा था हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। तो ये पलटी केवल नीतीश कुमार ने नहीं मारी है, बीजेपी ने भी मारी है। दोनों डरे हुए थे और दोनों ही दबाव नहीं झेल पा रहे थे। नरेंद्र मोदी तो जो राहुल गांधी की भीड़ आ रही थी, जो लोगों का गुस्सा है, उसका दबाव नहीं झेल पा रहे थे कि आपको घुटने टेकने पड़े नीतीश कुमार के सामने। राम मंदिर के महल लहर पर तो आप चुनाव जीत रहे थे, और नीतीश कुमार ईडी का दबाव नहीं झेल सके कि कल को कहीं कोई और ना लालू प्रसाद यादव, तो वो है नहीं। पिछले 17 साल से लगातार कभी इनके समर्थन से कभी उनके समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो लालू प्रसाद यादव वाली तो हिम्मत वो कर नहीं सकते हैं, और इसलिए उन्होंने जाना स्वीकार किया उस तरफ जहां वो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन अब दोबारा नहीं जाएंगे। अब कह रहे हैं कि हम सही जगह आ गए हैं, अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फिर शॉल उनका राजभवन में रह जाए। और कुछ दिनों के बाद ही नीतीश कुमार वहां शॉल ढूंढने के लिए पहुंच। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।